गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है कि कोर्ट के फैसले से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी करवा रही है, ये आपके हिंदू मुसलमान एजेंडा और प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा बताया जा रहा है, इस पर आपका जवाब। देखिए, सर्वप्रथम तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, यहां पत्रकार भी बैठे होंगे, बाकी भाई बंधु बैठे हैं, कि औरंगजेब की तलवार पर एक मैजिस्ट्रेट का कलम भारी पड़ गया है, सबसे पहले। दूसरी बात, देखिए ये देश वाकई ये बदल रहा है। बदल क्यों रहा है? जब यहां आ रहे थे तो केवल काशी का फैसला नहीं, मथुरा का भी फैसला आया और उच्च न्यायालय ने कहा कि जल्द जो वहां पे मुकदमे चल रहे हैं उसका भी निस्तारण, और आगरा में झटका भी लगा। नहीं, वो जो कानून, अच्छा मौलाना साहब क्या हुआ, दर्द हो गया वो? देखिए, झटके तो अभी मैं गिनवा दूंगा, मैं लेके आया हूँ, इसीलिए ये कहेंगे हलाल, मैं कहूंगा झटका 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 और लगते चले जाएंगे, देखिएगा। जब कोई लगी फटकार है, तो झटका नहीं है, आपके लिए भी लेके आया हूँ, आपके लिए भी लेके आया हूँ, चिंता ना करिए, अभी थोड़ा शांत रहिए, बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए कहा मैं एक और बार देखिए, अभी कुछ कहता हूँ, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं कूदा करते, इसलिए चुप रहिए। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आज का जो फैसला आया ये क्यों ऐतिहासिक है, और ये कहते थे, ये समझ गए ना, ये कहते थे हम थोड़ा हटके, आज इनको लग रहे हैं झटके, और अब झटके की नहीं है। पहला झटका, वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को हटाए जाने से इनकार किया। दूसरा झटका, कोर्ट ने कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, इसमें तहखाना भी शामिल है, वीडियोग्राफी भी होगी। झटका नंबर तीन, जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। झटका नंबर फोर, कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ताला तोड़कर कमीशन कार्रवाई करे। तो ये चार झटके जब आप झेल लेंगे उसके बाद दोबारा चर्चे करने आइएगा। लेकिन एक और बात अंजना जी, आज बड़ी अहम है, अभी आपने कहा ना कि बीजेपी करवा रही है, नहीं, ये भारत की जनता को तय करना है कि वो अपना आदर्श किसे मानती है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, 56 इंच की छाती रख के कहता हूं, हमारे आदर्श चंद्रगुप्त मौर्य हो सकते हैं, शिवाजी महाराज हो सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हो सकते हैं, गुरु तेग बहादुर जी हो सकते हैं, लेकिन एक आक्रांता करने वाला औरंगजेब, भिकमंगा, लुटेरा, आतंकवादी नहीं हो सकता है, अभी इनके दिल में दर्द हो जाएगा उससे। और दूसरी बात, आप ये सवाल इनसे पूछिएगा कि जब कोर्ट ने कह दिया था तो जो अंजुमन इंतजामिया कमिटी है उसने ये कैसे कह दिया, हम घुसने नहीं देंगे अंदर, और अगर कोर्ट कहेगा तो क्या अपना गला कटवा देंगे? अरे, गला काटना तो किसी और का काम है, कोर्ट तो गले बचवाता है, काटता कौन है, ये जनता जानती है। हाजी खान साहब, क्यों विरोध किया? आखिर कोर्ट ने कहा ना कि वीडियोग्राफी कराना है, आखिर क्या भय है? मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर मुगल आक्रांता कोई है, मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया है, तो फिर उनके जो आक्रांता है उसके करतूतों की पहरेदारी क्यों करेंगे आज के हिंदुस्तान? अंजना जी, आपके कहने से या इनके कहने से कोई बादशाह जो 53 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की हो, वो आक्रांता, मैं इनके बारे में नहीं बोला, अगर आक्रांता कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 53 साल सबसे ज्यादा हुक्मरानी इस मुल्क में, ये और 4 बार पैदा हो जाए तो 53 साल हुक्मरान एक आदमी नहीं हो सकता, ना भारतीय जनता पार्टी का, नहीं, सुनिए, एक नंबर, एक नंबर दो, बात मिल गया आपको, औरंगजेब एक ऐसा बादशाह रहा, सुनो यार, दिल वहां पे है, धड़क रहा है, नहीं नहीं, हम भारत में, भारत के क्या, हमें गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या कहना है, बताइए, गुप्ता जी ने हमें पढ़ाया, इन्हें नहीं पढ़ाया, गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या कहना है, छह महीने समाजवादी की तरफ, 6 महीने बीजेपी, पर्सनल अटैक पे मत आइए, पर्सनल अटैक पे अगर आपको आना है तो फिर आप बहस का हिस्सा मत बनिए सर, प्लीज, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आप औरंगजेब के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? इतिहास का स्टूडेंट उसे बता रहा हूँ, औरंगजेब ने हिंदुस्तान में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, वो एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसका बाप बादशाह, जिसका दादा बादशाह, और दादा, लेकिन उसने टोपी बुन के और कुरान लिख के रोटी खाई है, उसने कोई बिल्डिंग हिंदुस्तान में नहीं बनाई, उसने 126 आपके आज तक में रिपोर्ट लिखाई गई थी आज से 25 साल पहले,
आपके आज तक में निकाल के देखिए 126 आपका आज तक बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मैंने आज से 15 भी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब आपके आज तक पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें दिखाया गया था कि उसने औरंगजेब ने 18-19 मंदिर छोड़े और 20 भाई बनाए और 126 प्रॉपर्टी इस देश के हिंदू भाइयों को दी। ये मोदी योगी जी जिस बट में बैठे हुए ना, ये नवाब बाजिद अली शाह की दी हुई है, रामगढ़ी नवाब लखनऊ की दी हुई है, ये हमारे यहाँ की अंसारी साहब की दी हुई है, बाबर जिंदा हो गया अंदर, एसआर इंटर कॉलेज हमने दिया है देश को, हम देश को जोड़ने की बात करेंगे, हमारा देश में रामगढ़ों की बस्ती में ये कैसे जोड़ना है जब आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने को तैयार है? तैयार है क्यों पहले क्यों हमने करा अंजुमन कोर्ट ने फैसला किया, अंजुमन इंतजामिया ने क्यों विरोध किया? हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और जब वर्शिप एक्ट आया ये नहीं मानने, ये सुप्रीम हमारे पार्लियामेंट ने पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, उसके बाद ये उस पर खेल रहे हैं और ये संविधान की धबेलना कर रहे हैं। इन्होंने 1992 में 6 दिसंबर में की कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि हम इसकी गारंटी लेते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन इस देश के संविधान को कुचला गया। 450 साल पुरानी इमारत 5 लाख लोगों ने तोड़ दी, इससे ज्यादा बुजदिली का काम दुनिया में। देखिए गजब की बहस कर जाते हैं, पहले तो इनका मुगल प्यार आज आ गया, मुझे तो लग रहा था ऐसा ना हो। इतिहास मुमताज ना मुगल बादशाह से हमें कोई मोहब्बत, लेकिन भारत का इतिहास भाई साहब अभी तो आप औरंगजेब की लेते अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे 58 साल 54 साल हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ाया बीए में हमें थी हिस्ट्री तो उसमें पढ़ाया गया, तो अब उसको झूठ बोल दूं? नहीं आप गुणगान कर रहे हैं तो फिर खुल के कीजिए ना, फिर क्या पर्देदारी है? मैं इतिहास को जब गुणगान ही करना औरंगजेब का तो करिए। इस तरह से चर्चा आगे बढ़े, आगे बढ़े जल्दी से छोटा सा। देखिए ऐसा है, एक सबक जो है इनको जरूर मिल जाना चाहिए। औरंगजेब तो वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, आप बच के रहिएगा कहीं ये ना वो सीख ले आपके घर में लोग। सुनिए अब सुनिए रुकिए, जनता का पैसा चुप करने दिया उसने, एक काला ताजमहल बनाने के बाद एक काला ताजमहल की नींव डाल दी थी, इसलिए काला ताजमहल फिर बोल रहे हैं। देखिए मैं आज एक ही बात कहूंगा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संविधान को आप क्यों नहीं मानते, तो इन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991, यही कहा ना 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हम मानते हैं वो गैर संवैधानिक है, लेकिन सीए कहां से आया, संसद से नहीं आया था क्या, पाकिस्तान से आया था, तुर्की से आया था, उसको आपने नहीं माना। और दूसरी बात, आज जब मैं यहां आ रहा था तो एक बहुत बड़ा इन्हीं की तरह रोंदू की तरह एक वर्ग है वो कह रहा था अरे हमें ना ये मॉस्क मस्जिद और मंदिर अब नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन हमें रोहिंग्या चाहिए, हमें पर्दा चाहिए, हमें बाकी सब कुछ चाहिए जो कि संविधान के खिलाफ है, लेकिन आज क्योंकि जीत हिंदू पक्ष की हुई है तो ये लोग झटके में हैं, इन लोगों को नहीं पता क्या कह रहे हैं। बीच में मत बोलिए, फिर कह रहा हूँ।